आज मैं बांदा के विश्वविद्यालय के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर लखनऊ की रहने वाली जिसका नाम पुष्पा बताया गया है, यहाँ पर बाबू के पद पर काम कर रही थी और वो 6 बजे ड्यूटी करके विश्वविद्यालय से जैसे सड़क पार किया है, पीछे से ट्रक गिट्टी का भरा आया और उसको टक्कर मारा और वो महिला उसी ट्रक में फंस गई। कल जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनका नाम पुष्पा सिंह है और शाम को 6 बजे के बाद की घटना है। जब वो इधर से निकल रही थी गेट से, बाईपास में जैसे ही गई तो पीछे से एक गिट्टी भरा हुआ डंपर पीछे से उनको टक्कर मारा जिससे वो गिर गई और डंपर के नीचे फंस गई और ये घसीटते हुए उनको ले गया, रोका नहीं, मवाई रोड मवाई तक चला गया, पेट्रोल पंप के पास रोका, जब उस पर आग लग गई, लोगों ने रुकवाया तब जाके वो रोका। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर तक घसीटा उसने जिससे घर्षण के कारण उसमें आग लग गई। इस पे मौके पर फायर ब्रिगेड भी आई, उसको आग को बुझाया गया, क्रेन से ट्रक को हटाया गया और उनका शव बहुत ही बुरी तरह से रोड पे घिसट गया था, जगह जगह टूटा टाटा मिला। हमको सूचना रात को 9:30 बजे मिली ग्रुप पे, जो कि यूनिवर्सिटी का ही ग्रुप है हमारी फैकल्टी का, उससे मिली। एक महिला जिनका नाम पुष्पा देवी है, ये किसी विश्वविद्यालय में नौकरी करती थी, इनको इनके पति की मृत्यु के उपरांत इंटर्नशिप में नौकरी मिली हुई थी, ये लखनऊ की रहने वाली हैं। आज ये आ रही थी, एक सूचना मिली कि डंफर से एक्सीडेंट हुआ है इनकी स्कूटी का। तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर, सभी अधिकारी पहुँचे, आस पास की थानों की फोर्स बुला ली गई, फायर टेंडर की गाड़ी भी आ गई। पता चला कि इनकी गाड़ी इस डंपर में फंस गई थी जिसके फ्रिक्शन कारण आग लग गई थी और जिस कारण की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, इसके अलावा अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।